ये देश में हिंदुस्तान में बैंकों में जो पैसा जमा है उसमें ज्यादा पैसा तो मेरे ख्याल से बुद्धिस्टों का जमा होगा, बौद्ध धर्म के मानने वालों का सबसे ज्यादा पैसा जमा होगा, नहीं सिखों का फिर जमा होगा, नहीं मुसलमानों का सबसे ज्यादा पैसा तो मुसलमानों का जमा होगा, नहीं जमा है, तो किसका जमा है भैया सबसे ज्यादा? किसका? जोर से बोलिए, सुनाई नहीं पड़ रहा। किसका? हिंदुओं। तो सबसे ज्यादा डकैती किसके यहां पड़ रही है? सबसे ज्यादा डकैती किसके यहां पड़ रही है? अब महंगाई पे बात कर लेते हैं। इस देश में सबसे बड़ी आबादी तो मेरे ख्याल से बौद्धों की होगी, नहीं है? क्यों भाई बैभू जी, ईसाइयों की ना, सिखों की नहीं? सबसे बड़ी आबादी तो मुसलमानों की है मेरे ख्याल से, नहीं? किसकी आबादी सबसे ज्यादा है? किसकी है? जोर से बोलिए। तो सबसे ज्यादा महंगाई की मार कौन झेल रहा है इस देश में? अब किसानों की बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा संख्या पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, सबसे ज्यादा किसानों की संख्या बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों की है। सिखों की? ईसाइयों की? मुसलमानों की? तो सबसे ज्यादा संख्या किसकी है देश में किसानों की? किसकी है? सबसे ज्यादा किसान कौन है? तो जब वो फसल का दाम मांगते हैं कि सही फसल का दाम दे दो, तो सबसे ज्यादा लाठी किसके ऊपर पड़ती है? हिंदुओं के ऊपर। हिंदुओं के ऊपर सबसे ज्यादा इस देश के अंदर पढ़ने वाले बच्चे किस समाज से हैं? किस समाज से हैं? पढ़ लिख के बेरोजगारी की मार झेलने वाले किस समाज से हैं? किस समाज से हैं? सबसे ज्यादा महंगाई की मार झेलने वाला कौन है? तो महंगाई हम झेले, अशिक्षा हम झेले, बेरोजगारी हम झेले, बैंक में सबसे ज्यादा डकैती हमारे पैसे पे डाली जाए और कहा जाए हम हिंदुओं का भला कर रहे हैं, हम हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, इस गलत फहमी से देश को निकालो। हाथ जोड़ रहा हूं, विनती कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, सबसे ज्यादा नुकसान आपका हो रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान आपका हो रहा है, सबसे ज्यादा नुकसान आपका हो रहा है। और आप ही से कहते हैं चलो भाई हिंदू मुसलमान के नाम पे झगड़ा करो, तुम्हारे घर में खाने के लिए नहीं है, चिंता मत करो, बस सड़क पे निकल पड़ो झगड़ा करके। इस राजनीति को हमें खत्म करना है। मणिपुर हो, मेवात हो, हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में नफरत की आग जो फैलाने का काम किया जा रहा है, इस आग को बुझाने का काम बुद्धिजीवी करेंगे, हम लोग करेंगे, शिक्षक करेंगे, जो देश को उन्नति के, तरक्की के, विकास के रास्ते पर लेके जाएंगे।